देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन कर हजारों लोगों ने लिया परमात्म ज्ञान। नासिक में भले ही कथावाचक पंडित मिश्रा जी का कार्यक्रम रहा, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लाखों लोगों को परमात्म संदेश मिला। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक में पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। इस बीच ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने वरिष्ठ आयोजक शिक्षिका बीके वासंती की अध्यक्षता में यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन आध्यात्मिक मेले एवं चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस मेले का उद्घाटन नासिक के कैबिनेट मिनिस्टर और शिव पुराण कथा स्वागत अध्यक्ष नामदार भूसे के कर कमलों से हुआ। इस कार्यक्रम के उद्घाटन से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ इस चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने उमड़ पड़ी। इस मौके पर शिव भोलेनाथ का 51 फीट का त्रिशूल और 12 फीट का शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। लाखों श्रद्धालुओं ने द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन आध्यात्मिक मेले का लाभ उठाया। वहीं कई बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा और हजारों लोगों ने परमात्मा का संदेश प्राप्त किया। मुख्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम। मुख्यालय के मानसरोवर कैंपस में संस्था के चिकित्सा प्रभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। 5 दिवसीय इस ट्रेनिंग में देश भर से बीके सदस्य पहुंचे। इस कार्यक्रम में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय द्वारा सभी को आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का आह्वान किया गया और शुभ प्रेरणाएं भी दी गयी। करता हूँ एक प्रोजेक्ट बना करके, उस प्रोजेक्ट बनाने में यदि हम लोगों का भी सहयोग से शिक्षाविद काम करेंगे, ऐसी सेवा करने का विधि बनाए, तो एक 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 मानसिक परिवर्तन का आंदोलन होना चाहिए। केवल एक सामाजिक परिवर्तन के लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु इस दिशा में भी आप करेंगे तो मुझे भी बहुत खुश होंगे। मैं समझता हूँ बाबा वतन में बैठ कर के हम बहुत मदद करते हैं, वैसे अभी भी कर रहे हैं, बहुत संदेश देने की विधि में सफल हो रहा है और अनुशासन में जो जितना भी समाज में विकृतियाँ दिखता है उसका परिवर्तन करने में ईश्वरी विश्वविद्यालय का कीर्ति बहुत अच्छा बढ़ गया। तो वहीं मुख्य वक्ता के तौर पर नशा मुक्त अभियान के निदेशक बीके डॉक्टर सचिन परब, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने सभी को ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए जागरूक करने और आध्यात्मिकता की शिक्षा देने का प्रशिक्षण दिया। इतने बाल ब्रह्मचारी, इतने महान आत्माएं दृढ़ संकल्प लें, भारत को हम नशा मुक्त बना करके रहेंगे, भारत सरकार को दिखाएंगे, उनकी आंखें खुलेगी कि नहीं, ब्रह्मा कुमारी को ही अगर कुछ भारत को ऊपर उठाना है इनके हाथ में बाग डोर दो। बहुत सारे भाई बहनों के अंदर अभी भी ये है कि वो समझते हैं कि हम स्कूल गए, कॉलेज गए और हमने भाषण किया तो हमने नशा मुक्ति की सेवा की। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप 100% सच नहीं सोच रहे, आप परसेंटेज में हैं। अवेयरनेस इज ओनली पार्ट ऑफ दिस सेवा, है ना? अवेयरनेस पूरी सेवा नहीं है। हमको अभी जो लोग पूछ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो ये पूछ रहे हैं जो बाबा भी मुरली में पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? हमको लोग पूछ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन क्या है। हम सब तालियां बजा। अंत में सभी बीके सदस्यों ने राजयोग का अभ्यास कर जन जन तक व्यसन मुक्ति का संदेश फैलाने का संकल्प किया। नवनिर्मित ज्ञानमोति भवन का दिव्य शुभारंभ। एमपी के बिलहरा में ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित ज्ञानमोति भवन का दिव्य शुभारंभ सागर से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके छाया के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जिसके साक्षी बनने सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पालकी में विराजित भगवान शिव की विशाल शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नवनिर्मित भवन पहुंची। शोभा यात्रा के पश्चात शिव ध्वजारोहण करके और फीता काटकर भवन का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बीके छाया ने कहा कि ज्ञानमोति भवन क्षेत्र में आध्यात्मिकता का माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष रमेश चंडार, वकील चौबे समेत स्थानीय प्रभारी बीके संध्या और सागर जिले के विभिन्न सेवा स्थानों से बीके बहने पहुंची। सभी ने भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर योगासन टीम को ब्रह्मा कुमारीज ने जूनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी। दरअसल जम्मू कश्मीर योगासन टीम गुवाहाटी में आयोजित होने वाली 48वीं सब जूनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए रवाना हुए हैं।
योग एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के संरक्षक प्रमुख बीके सुदर्शन और अध्यक्ष अखिल कपाही, उपाध्यक्ष बीके रविंदर बाली के साथ ब्रह्मा कुमारीज के अन्य गणमान्य लोगों ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर योगा टीम को हरी झंडी दिखाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। एसोसिएशन के महासचिव विनोद भाटे ने भी अपने विचार रखे। आपको बता दें कि विभिन्न आयु वर्ग के कुल 30 चयनित योग खिलाड़ी उपरोक्त चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर यूटी का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। इनमें 15 लड़कियां और 15 लड़के शामिल होंगे। भगवान से भी हमारी यही एक अर्जी है, ये सभी बच्चे विनर होके लौटे, जीत के आए और विजय का तिलक हम आने पर इनको लगाएं, और जो इनको लेके जा रहे हैं और उनको भी हम बहुत बहुत उन पर भी इस प्रभु की दुआएं हैं जिन्होंने इतनी तैयारी कराई है, मेहनत की है, तो उनकी मेहनत भी सफल हो और वो भी अपने मन में यही संकल्प करें, भगवान हमारे साथ है और हमारे सब बच्चे जीतेंगे। फियर जीवन में कोई सत्य नहीं है। आप क्या हैं? आप हकीकत हैं। हकीकत क्या है? जो आप करते हैं, जो आपने किया है, वही आपका अचीवमेंट है। और आप इस समय माइंड बॉडी को कैसे, जैसे इस बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहो बना सकते हो, जितना माइंड को आप फ्लेक्सिबल बनाना चाहो बना सकते हो। यूपी के नवाबगंज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नगर पालिका परिषद हॉल में 5 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले एवं आध्यात्मिक प्रदर्शनी का उद्घाटन केसरगंज सांसद बृजभूषण चरण सिंह ने किया एवं उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, अयोध्या से पधारे संतो एवं तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें फैजाबाद सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शशि एवं अयोध्या सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुधा, नवाबगंज की प्रभारी बीके रेखा, तरबगंज से बीके ममता समेत कई बीके भाई बहने उपस्थित रहे। वजीरगंज ब्लॉक प्रमुख एवं हिंदू युवा वाहिनी के प्रचारक विकल्प, तरबगंज ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे ने भी अपने विचार रखे। इस प्रदर्शनी के माध्यम से कई स्थानीय लोगों को परमात्म संदेश दिया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।